कारण यही है, मोदी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब देश भी बिक जाएगा एक दिन, देश पे कई लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी तो है। यूपी में क्या अच्छा है तू बता? बहुत ही अच्छी है, आप पब्लिक को दिख रहा है यहाँ महंगाई कर रखे, ये कर रखा, पर वो बीजेपी जब एक साथ जब कोई अच्छा काम करती है, थोड़े दिन की महंगाई जब दिखाई देगा ना, समझदार लोग हैं जो, वो सब लोग जानते हैं बीजेपी क्या चीज है। महंगाई क्या परेशान नहीं कर रही है? नहीं, हम कोई परेशान नहीं है महंगाई से। मोदी सरकार कुछ कर पाई 10 साल में? सर हमको तो नहीं लगता है कि कुछ कर पाई सर, ऐसे तो जैसे देश के लिए कुछ किया है, लेकिन युवा के लिए सर, रोजगार के लिए अभी तक तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि किया है वो। ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? बट ठीक, नाम बताएं आप। इधर बात नहीं, आप बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं। देखो जी, मैं तो बताऊंगा नहीं इस बारे में कुछ भी। आप बताओ साहब, अपना बोलिए सर। जी? नाम बताएं। नहीं, अरे नाम से क्या मतलब है, पूछिए जो पूछना है। अच्छा, नाम बगैर ही चलेगा काम? अच्छा, मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया जी, चुनाव में क्या लगता है कि आपकी सीट से 2 उम्मीदवार हैं यहाँ पर, बीजेपी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से यहाँ कुलदीप कुमार हैं, क्या लगता है दोनों में फाइट है, कोई आगे है पीछे है, पब्लिक क्या सोच रही है? कुलदीप कुमार जाएंगे। कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं आप जी? बिल्कुल। क्या कारण है सब? कारण क्या है, इनकी काम है, जब कांग्रेस जितने आम आदमी पार्टी के काम बोलता है, हाँ उसका काम दिखता है, धरातल पे दिखता है कि काम उसने करके दिखाया है, जो भी किया है धरती पे काम करके दिखाया है। ठीक है सर, तो काम की वजह से ये आएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतना काम कर दिया, विदेश तक नाम कर दिया। ठीक है सर, विदेश में हम थोड़ी रहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं ना सर, जहाँ रहेंगे हम तो वहाँ के बोलेंगे ना, जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ देख रहे हैं कि हाँ हमारे लिए कौन काम कर रहा है, हमारे लिए तो वो काम कर रहे हैं। आप काम करोगे हम आप ही के लिए कहेंगे, ये काम करेंगे हम उन्हीं के लिए कहेंगे। बड़े बड़े काम कर दिए, 370 हटा दी, ठीक है राम मंदिर बन गया, 370 हटा दी, और जो नौकरियां हैं वो दे दी हैं, स्टार्टअप शुरू हो गए देश में। ठीक है सर, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर तो आस्था का विषय है सर, हमारे अंदर भी राम है, आपके अंदर भी राम है, इनके अंदर भी राम है, राम तो हमेशा राम ही राम है, राम को तो आदमी कहना थोड़ी है, गट में राम निकली। बिल्कुल सर, यही हम पूजेंगे, यही यहाँ भी मंदिर है, हम यही जाकर जल चढ़ा देंगे, भगवान की आराधना कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, यही सुनवाई देंगे, सच्चे सच्चे मन से, हम अपने मन से ही प्रार्थना कर ले, भगवान सुन लेंगे। मगर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनके पास एक बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है, उसके नाम पर जब वोट डलेंगे तो पब्लिक कुछ देखेगी नहीं, 400 पार कर देगी, कुछ नहीं होगा सर, ये तो जमीन पर उनका काम ही नहीं है कुछ, कैसे 400 पार है, किस चीज़ से 400 पार होंगे, क्या किया है उसने, कोई ज़मीन पे उनका काम बताइए, आप ही बताइए कि क्या काम किया उसने। दिल्ली में तो कोई काम करा नहीं है। बताओ, जहाँ 400 की सिलेंडर आती थी वहाँ आज 1100-1200 की सिलेंडर आ रही है, आप 200 रुपये घटा दिए हैं, 800-900 की आ रही है अभी फिलहाल भी, तो उसने काम कैसा कौन सा किया है, महंगाई जा रही है चरम सीमा पर, आपको पता ही है महंगाई। ये कह रहे हैं कि तनख्वाह और आमदनी इतनी बढ़ गई कि महंगाई जितनी है उतने काम चल, की काम करता था 12 घंटे, आज मैं 12,000 पे करने पे मजबूर हूँ, बताओ आप, काम धंधा है ही नहीं कहीं, रोजी रोटी कहीं नहीं है, आज मारे मारे फिर रहे सब, और पैन कार्ड आज 8, अरे भाई साहब 8,900 हमारे साथ वाले 8,900 पैन कार्ड में 1,000 रुपया और ले लिया फीस जो। अच्छा, आधार से पैन कार्ड लिंक करके, पैन कार्ड पे लिंक पे 1,000 रुपया और ले लिया। अच्छा, हाँ जी, ये और पब्लिक को जानबूझ के भरना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे माहौल में, क्योंकि आप लोगों के पास वोट का अधिकार है, जब आप वोट डालेंगे तो सांसद बनेगा, सांसद प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो क्या लगता है कि जनता किस तरफ जाएगी? अब जनता तो जाएगी जाएगी, पब्लिक देख के देगी वोट किसको, और किसी को भी जो भी अपने सोच समझ के देगी पब्लिक, दिल्ली में कौन क्या है। क्या लगता है, दिल्ली में 7 सीटें हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं, कितनी किसको मिल सकती हैं, आपका आकलन क्या? देखो आम आदमी की भी आएंगी, कितनी कितनी आ सकती है, कहीं कहीं बीजेपी भी आएगी, अब ये नहीं है कि आपके लिहाज से कितनी सीटें आ सकती है। हमारे लिहाज से तो 7 का 7 सीट जा रहा है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को जी, गठबंधन को क्या? हाँ गठबंधन को, गठबंधन को जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उनका काम बोलता है काम की बदौलत जाएगा जी। मतलब
स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है उसको देखकर वोट डालें। जी, यहाँ का काम उनके काम के प्रति जा रहा है। पब्लिक गरीबों को जो हित में काम कर रहा है, मजलूमों के हित में काम कर रहा है। मगर जो प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री, उनको तो अंदर कर दिया, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया उन्होंने। कोई बात नहीं सर, हम वोट के चोट से उनको बनाएंगे। तो कम करा दी, बारे जी घंटे ड्यूटी करा दी। जो आप वोट की चोट की चोट से हम जवाब देंगे, करे जेब में हम वोट डाल के बताएंगे। पार के रथ को रोक पाएंगे? 400 आएगा ही नहीं सर, 150 भी निपट जाएंगे ये। जी सर, ठीक है। क्या नाम है आपका? पदम सिंह। पदम जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, ठीक है, क्या लगता है कि पूर्वी दिल्ली का वोटर क्या सोच रहा है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपका मन क्या कहता है? मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? बेहतर है ना जी? आपका मन क्या कहता है कि कौन बेहतर? अब क्या कहूँ भाई मैं। आपको हर्ष मल्होत्रा ठीक लगते हैं? कोई पार्टी? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ ना। कहाँ के हो? मैं तो फरीदाबाद। फरीदाबाद से? वहाँ क्या माहौल चल रहा है? महेंद्र प्रताप हैं एक तरफ, कृष्ण पाल गुर्जर हैं। महेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित इधर आओ। जी सर, मुझे ये बताएं मोहित जी, अब चुनाव चल रहा है जी, मोहित का मन क्या कह रहा है? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन। कमल खिलेगा। अच्छा, क्यों खिलेगा? खिलेगा। कीचड़ ज्यादा हो गया है क्या कमल खिलेगा? कीचड़ ज्यादा है क्या कमल खिलेगा? ना खिलेगा। क्यों खिलेगा, वो कारण पूछ रहा हूँ। कारण? अब कारण तो उन्होंने अच्छे काम करे हैं। किसने? मोदी ने। मोदी है? 10 साल के मोदी के शासन की यदि बात करें, क्योंकि 10 साल मोदी का हो गया है शासन, और 10 साल उससे पहले कांग्रेस का शासन था, ठीक है, क्या लगता है कि मोदी ने, आप कह रहे हैं बेहतर काम किए, 5 काम मोदी के बेहतर बताएं। पांच के पांच बेहतर काम? एक तो उन्होंने राशन, राशन जो फ्री दे रहे हैं। हाँ, एक शौचालय बनवाए। शौचालय बनवाए? हाँ, और एक क्या बताऊँ, शौचालय, एक महिलाओं के लिए गाड़ी फ्री है। वो तो केजरीवाल ने की ना? ना, इंडिया ही फ्री है, उसमें रक्षाबंधन फ्री है। रक्षाबंधन पे एक दिन फ्री है वो? हाँ। बाकी टाइम तो केजरीवाल ने फ्री कर रखा। तो फ्री है तो केजरीवाल ने कर रखी है, बाकी टाइम तो नहीं। ना, ना। बताएं, दो तो हो गए आपके, तीन बताएं। तीन का पता नहीं, नहीं पता, ये क्या चक्कर है? मतलब इतना काम आप कह रहे हो कि आपके लीडर ने किया और आपको याद नहीं है? खराब। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम? सब्जी का। सब्जी का? 10 साल पहले क्या करते? सब्जी का काम करता था शुरू से ही। तो 10 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई काम में? काम में? काम में तो उतना ही है। उतना ही है, तो फिर फायदा क्या हुआ सरकार का? सरकार आने से कुछ तो इजाफा हो, आपके व्यापार में इजाफा होना चाहिए। इतना ही है। महंगाई वहंगाई है क्या कुछ? महंगाई तो है, पहले से ज़्यादा महंगाई है। हाँ, तो फिर ये कैसे हो गई? पहले से ज़्यादा तो महंगाई है, महंगाई है पहले से ज़्यादा। तो आपने नौकरी क्यों नहीं की, सब्जी क्यों बेच रहे हो? सब्जी में पर अपना शुरू से ही काम है, सब्जी की। हाँ जी, नौकरी वोकरी करने की नहीं सोची? ना ना। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं भैया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अरुण। मुझे ये बताएं साहब, अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में आपके पास तमाम जो लीडर हैं वो पहुंचेंगे, एक तरफ बीजेपी के लीडर हैं, हर्ष मल्होत्रा उम्मीदवार हैं यहाँ से, दूसरी तरफ कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार, कौन से बेहतर लगते हैं? जी, मैं इतना वो नहीं रखता इन चीज़ों में। वोट तो आप डालेंगे? हम बीजेपी की वोट डालेंगे। बीजेपी की वोट? क्या कारण है? कारण यह है, देश अपना सुरक्षित रहता है इसकी वजह से। है जी? हमारे जितने भी फौजी भाई हैं आज के टाइम पे मरते नहीं हैं, जवाब अच्छा देते हैं, वेपन अच्छे हैं उनके पास। ठीक है, एक अग्निवीर योजना शुरू की गई थी, उसको कैसे देखते हैं? नहीं समझा। नहीं, अग्निवीर एक योजना है जिसमें फौजियों को भर्ती किया जाता है, आर्मी में बच्चों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए तो उसका मैंने देखा नहीं है अभी कुछ भी। देखा नहीं? नहीं, योजना तो चल रही है, आपको पता ही नहीं है? नहीं नहीं, मैं थोड़ा आप... क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी अमित भदौड़ी। अमित जी, मुझे ये बताएं, अब चुनाव चल रहा है, अमित भदौड़ी का दिल क्या कहता है कि अब की बार किस पार्टी का सांसद बनना चाहिए? आम आदमी पार्टी का। क्या कारण है? कारण यही है, मोदी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अब देश भी बिक जाएगा एक दिन, देश पे कई लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है,
इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी तो है। कह रहे हैं साहब विदेशों में नाम हो गया, नाम रोशन हो रहा है देश। नाम का फायदा तो बाद में लेंगे ना, पहले तो देश गरीब हो गया, देश लुट गया पूरा। रेल बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, तेल बेच दिया, अडानी अंबानी सब इन पे चल रहा है। केजरीवाल ने थोड़ा सा कुछ किया भी नहीं है उसमें, ना तो उनका कोई साबित हो पा रहा है, कोई जेल में घेर दिए हैं, वैसे वही है तानाशाही चल रही है मोदी जी की। वो तो कह रहे हैं कि शराब जो नीति थी उसके तहत लेकर घोटाला कर लिया, शराब घोटाला, इसके कारण केजरीवाल को अंदर डाल दिया। वो घोटाला क्या नहीं गया वो साबित तो करो ना जनता के सामने, क्या घोटाला हुआ है अब तक? कोई भी नहीं है, कोर्ट कह रहा है सबूत ला के दो, वो सबूत ही पेश नहीं कर पाए हैं अभी तक सारे। ऐसे संजय सिंह गेरा था वो छोड़ दिया, फिर कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ। अब ऐसी केजरीवाल डाल रखा है, अमानतुल्ला खान के पीछे पड़े हुए हैं सारे, CBI वगैरह सब कुछ, ये सब मोदी की वो चल रही है तानाशाही। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल का जो आप वोट से देंगे, मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं होगा, अब की बार 300 भी पार नहीं होगा मोदी जी का जी। और दिल्ली में से कम भी 3 सीट आम आदमी पार्टी ले जाएगी सांसद। आपको लगता है कि केजरीवाल का अंदर जाना कहीं ना कहीं लोगों में उस बात को लेकर चर्चा है, और राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी को उस बात का फ़ायदा होगा और BJP को नुकसान होगा क्या? इसमें फ़ायदा नुकसान की तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, पर यह है आम आदमी पार्टी को घाटा तो थोड़ा सा होगा, केजरीवाल जी की जेल में गए हुए हैं। हाँ ये लोग जुड़ेंगे भी कि केजरीवाल अंदर चले गए हैं इस बात से जुड़ेंगे, या फिर लगता है नहीं फ़र्क नहीं पड़ता? वैसे देखो जो इन बातों को समझेगा वो तो कहीं जाएगा नहीं, जो इधर उधर भाग जाएगा वो BJP में चला जाएगा जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? यशोदा। यशोदा जी, थोड़ा इधर मुड़ करेंगे। मैं चुनाव को लेकर चर्चा कर रहा हूँ, सब लोगों से पूछ रहा हूँ, तो मैं महिला होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब चुनाव है, महिलाएं क्या सोच रही हैं? एक तरफ तो BJP के उम्मीदवार हैं हर्ष मल्होत्रा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप। BJP अच्छी है। क्या कारण है? पार्टी तो बस बेकार है। BJP में क्या अच्छा है तो बता के। बहुत ही अच्छी है, आप पब्लिक को दिख रहा है यहाँ महंगाई कर रखे, ये कर रखा, पर वो BJP जब एक साथ जब कोई अच्छा काम करती है, थोड़े दिन की महंगाई जब दिखाई देगा ना, समझदार लोग हैं जो, वो सब लोग जानते हैं BJP क्या चीज़ है। महंगाई क्या परेशान नहीं कर रही है? नहीं, हम कोई परेशान नहीं है महंगाई से। क्या कह रहे हैं आप? मैं आप कह रहा हूँ, एक सुनोगे ध्यान से ना सुनोगे, मैं बड़े बोल रहा हूँ गाँव का। अच्छा, क्या नाम है? मैं जगबीर पहलवान है। जगबीर पहलवान, अच्छा। ये गंद से और इससे सीवर परेशान हम तो है? इनके सीवर से गंदगी से, अच्छा, ये समस्या ना हो रही। अच्छा, सफाई नहीं हो रही है? हाँ, अच्छा। पूरे पूरे खादम नहीं हो रही कहीं भी। और दो दिन बाद ये हम चलो वोट भी देंगे, आपको देंगे, किसी को भी देंगे। बिरम सिंह कई नुकर लगा दी गाड़ी, 5-7 गाड़ी लगा दी, कोई गाड़ी ना लगी यहाँ। एक गाड़ी आते में तो चले जाती बाहर के नहीं। सफाई से परेशान है आप? हाँ। अब की बार वो लीडर आए ना, तब उसका कुर्ता पकड़ के ये कहना ना, सफाई नहीं करोगे तो वोट नहीं डालेंगे। धमका देता हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, धमका देता हूँ मैं। अब की बार सवाल पूछना फिर वोट दे। नहीं, एक तुम भी कह दोगे बात है, मैं तो आपके जरिए कह ही रहा हूँ मेरे। नहीं तो माता गंद के चले गए, सफाई होनी चाहिए। गौ माता बेचारी बैठ रहे हैं, गौ माता भूखे मर रही है, इनको इनको गौशाला में खाना भिजवाओ। ठीक बात, गौवान गान को। आपका क्या नाम है? विवेक कुमार सर। विवेक कुमार जी सर। विवेक क्या करते हैं आप? सर मैं अभी जॉब करता हूँ सर। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं? नहीं सर, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट में ना जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है जी सर, युवाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है, मोदी सरकार कुछ कर पाई 10 साल में? सर हमको तो नहीं लगता है कि कुछ कर पाई सर, ऐसे तो जैसे देश के लिए कुछ किया है, लेकिन युवा के लिए सर, रोजगार के लिए अभी तक तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि किया है वो। ठीक है, और आ बात सर चुनाव के लिए, तो आप बताइए सर, दिल्ली में एक ही टक्कर देने वाला था केजरीवाल, उस अभी इलेक्शन के टाइम में उनको बंद कर दिया गया, इसके पहले सरकार कहाँ थी? उनको तो मैंने देख रेख करना चाहिए कि हाँ भाई, पहले से भी तो उनके ऊपर केस चल रहा था, तो पहले ना बंद करना चाहिए। अभी इलेक्शन के टाइम में मानिए बंद कर दिए, तो अभी चुनाव है तो सर कम से कम उनको तो लड़ना देना चाहिए था। क्यों बंद कर दिया आपको क्यों लगता है? क्यों बंद किया गया? सर हमको लगता है कि सर BJP चाहता नहीं है कि कोई भी कंपटीशन में खड़ा हो। अच्छा जी सर, और अभी देखिए सर, कांग्रेस का जितना भी अकाउंट है सब सीज कर दिया गया है, और मानिए सर उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, अकाउंट सीज होगा तो कैसे लड़ेगा चुनाव?
चीजों की जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? अखबार पढ़ते हो? नहीं सर, मैं यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब जी, खान सर को देखता हूँ। अच्छा, खान सर को देख? जी सर। खान सर क्या बताते हैं? खान सर, सर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा। और पूरा माने इंडिया में सबसे बढ़िया टीचर है। अच्छा। मैं बिहार से हूँ, पटना से सर। और भी यूट्यूबर हैं, कुछ चर्चा करते रहते हैं, कोई ध्रुव राठी है, कोई और है? सर ध्रुव राठी भी तो सही है सर, वो भी जो भी स्टेटमेंट दिया है डिटेक्टर का सर, ऐसे करके एक वीडियो आया था डिक्टेटर का। जी जी सर, तो मैं भी उसका वीडियो देखा हूँ, वो गलत नहीं कहा है सर, ठीक है। अभी जैसे मैं 3-4 वीडियो भी बनाया, उसको धमकी भी मिला कि तुम इंडिया आओ तो ये करेंगे वो करेंगे, और उसके माने अगले दिन ही वो इंडिया गेट पे आके वीडियो बनाया, फिर भी बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पाई। जानती है कि कहीं ना कहीं वो अपने जगह पर सही है सर। तो आप क्या चाहते हैं कि किस पार्टी का सांसद बने, किसका प्रधानमंत्री बने? सर मैं चाहता हूँ कि 15 साल अभी तक बीजेपी की सरकार हो गया। 10 साल? 10 साल जी सर। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सर अब अगले सरकार को भी आने दीजिए, उन लोग का अब जितना था वो हो गया। अब इसको अगला कौन आना चाहिए, वही तो पूछ रहा हूँ। इंडिया गठबंधन है या फिर बीजेपी, दो ही है सर। हमको नहीं लगता है कि कोई टक्कर में बीजेपी का है, लेकिन अगर कांग्रेस अपना माने जो कैंडिडेट है अगर चेंज कर दे, जैसे राहुल गांधी को अलग से करके, मैं बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा सर, जिंदाबाद नहीं बोलूँगा सर, लेकिन अगर राहुल गांधी को चेंज करके दूसरा कोई बनाते हैं तो शायद कांग्रेस का सरकार आ जाए। जी सर, यहाँ से उम्मीदवार जो हैं आम आदमी पार्टी के हैं कुलदीप कुमार, और एक तरफ हैं बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा, कौन सा बनना चाहिए? हमको लगता है सर आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है दिल्ली के लिए सर, तो उनको बनना चाहिए। आपका क्या नाम है? ब्रिज पांडे। ब्रिज पांडे, मुझे बताएं कि चुनाव आ गया, अब ब्रिज पांडे का मन क्या कहता है, कौन बन रहा है? बीजेपी, हर मोदी, घर घर मोदी। कारण क्या? नेता कैसा हो, मोदी भैया जैसा हो। वो नारे तो ठीक है कि आपने 5-7 रट लिए हैं, तो काम बताएं आप मुझे कि 10 साल में 370 हटाया, 65 हटाया, अब क्या? 65? हाँ, 65 कश्मीर। अच्छा, फिर 70 सर। मुझे ये बताएं कि 5 काम में से 5 जो बेहतरीन काम हुए, उसमें से एक आपने 370 गिना दिया, दूसरा आपने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर तो कोर्ट के कारण बना ना, सरकार का काम बना है, उसी के राज में बना है ना, नहीं तो 70 साल में कहाँ बना, 500 बरस में बना पाया आप? मैंने क्या कहा कि कोर्ट का फैसला आ गया, सरकार आपकी थी, संयोग हो गया है, बन गया। ठीक है, मुझे तो उसी को जा रहा है ना, श्रेय तो उसी को जा रहा है। 3 काम और बताए हैं? 3 काम और, 3 उसके बाद से जो है रोड देखिए, एकदम गली गली चुस्त है, जहाँ जाइए रोड का कितना व्यवस्था टंच हो गया है। उसके बाद से अपना इंडिया का ग्रोथ भी बढ़ रहा है। क्या ग्रोथ बढ़ रहा है मान लीजिए? क्या करते हो? मैं मार्केटिंग का काम करते हैं। 10 साल पहले क्या करते थे? मार्केटिंग का काम करते थे। कितनी ग्रोथ हुई है? 5-6 हज़ार रुपये का ग्रोथ हुई क्या? 5-6 हज़ार 10 साल में बढ़े हैं आपके। महंगाई कितनी प्रोपोर्शनेट में बढ़ गई है? महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई नहीं है, दम महंगाई कुछ नहीं है। तो 400 का सिलेंडर 800 का क्यों मिल रहा है? अरे भाई साहब, तो 400 सिलेंडर के लिए भाई जो 1 घंटा लाइन में लगाना पड़ता रह रहा था, ये मेरा फोन करिए घर में सिलेंडर आ रहा है, वो ठीक की 4 घंटा लाइन ठीक मेरा, मतलब 4 घंटा का पैसा ले और 4 घंटा में 500 रुपये आदमी कमा लेगा। फिर मुझे बताएं रोड की जो स्थिति है उसको लेकर लोगों की ये शिकायत है कि साहब टोल वाला रोड तो ठीक है, टोल से नीचे उतर जाते हैं तो रोड नहीं बना। उसमें मोदी का थोड़े व्यवस्था है, मोदी का दोष नहीं है, वो मोदी ने हर रोड हर एक जगह एकदम टू टंच है रोड के लिए, तो नितिन करकड़ी जैसा नेता ही नहीं भाई साहब। हाँ जी, ठीक। तो आपने 3 काम गिना दिए, चौथा काम? 3 का उनका जो है 200 काम जो है अच्छा है जो कर 200। हाँ, 20 में से 5 पूछ रहे हैं तो 5 तो आपको गिना ही दिया। आप बताएं, आपको तो 3 बता ही दिया, रोड का बता ही दिया, उसके बाद से बिल जाए हर एक गरीब को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ गरीब हैं फिर उनको राशन मिल रहा है, गरीब खुशहाल है। फिर ये जो केजरीवाल जिस वक्त दे रहे थे, ये केजरीवाल ने जब यूनिट फ्री की, बिजली की, पानी फ्री किया, तो बीजेपी ने ये कहा कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब मोदी जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं? फ्री का रेवड़ी ये नहीं बांट रहे हैं, आर्थिक 5 किलो किससे पैसा ले रहे हैं? आर्थिक स्थिति से जो दबे हुए उसको दे रहे हैं, ये नहीं है कि जो है 200 यूनिट लोलीपॉप थमा रहे हैं। 80 करोड़ तो आर्थिक स्थिति खराब बता रहे हैं आप जिनकी, 80 करोड़ प्रधानमंत्री ने आंकड़ा दिया, तो 80 करोड़ की तो स्थिति खराब है, फिर देश की स्थिति ठीक कैसे? 80 करोड़ तो गरीब ही है, गरीब गरीबे रहेगा।
फिर उत्थान कहाँ किया? उत्थान तो हो ही रहा है, अब एक बार सोचिए कोई आसमान से ऊपर जाए नहीं होगा, आस्ते आस्ते ग्रोथ बढ़ रहा है। आप मुझे ये बताएं, आप मार्केटिंग करते थे 10 साल पहले भी, अब भी 5000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ी 10 साल में, ठीक है? मैं कह रहा हूँ खुशहाल होना तो ठीक है, आप ज़रूरतें कम करके भी खुशहाल हो सकते हैं, ठीक है? मेरा ये कहना है कि उस प्रोपोर्शनेट में चीज़ें नहीं गई, इसके कारण लोग दुखी हैं। लोग कह रहे हैं रोज़गार मिला नहीं है सब। देखिए रोज़गार घर घर रोज़गार बहुत है, मान लीजिए कि रोड बन रहा है, इतना जो हाईवे रोड बन रहा है इसमें काम नहीं है, है? रोज़गार जो तो है काम, कोई बेकार नहीं बैठा। अब कोई ये सोचे कि घर में हमें फ्री का जो है अन्न मिले, पानी मिले, राशन मिले, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पेपर कैंसिल हो जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, वो क्या कह रहे हैं फिर? वो सब जो है कहने कहाने वाली बात है, ही कह रहे हैं। हाँ पेपर लीक जो है, ऐसे नहीं पेपर लीक नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता है, पेपर लीक हो गया तो उसमें। हाँ जी खान साहब, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया जी। नाम है आपका? बदरूस। मुझे ये बताए, अब चुनाव चल रहा है, क्या लगता है? एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ बीजेपी। हम तो ये चाहते हैं देश की विकास हो अच्छी तरीके से, सुविधा हो हर चीज़ की। ये तो हर कोई चाहता है, पर करेगा कौन उसकी तो बताओ। सरकार करे उनके लिए वोट। दो आदमी आपके सामने बता दिए मैंने, दो ऑप्शन। हाँ तो जो अच्छा एक तरफ करेगा? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ इंडिया गठबंधन, कौन करेगा, किससे उम्मीद है? उम्मीद बीजेपी से। बीजेपी से, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है मित्र? हाँ जी, क्या नाम है आपका? अकरम खान। खान जी मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है अब पंजाब में? जी पंजाब में चल रहा है, सब देश में ही चल रहा है साहब। बोलो, मुझे ये बताएं कि अब जो है एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, क्या? मैं तो ऐसे सोचना चाहता हूं कि जो भी सरकार है बढ़िया होनी चाहिए, हमारे को उनतला का मतलब ही ना, हमारे को वो खाने को देते ना हम उनसे मांगते हैं, पर ऐसे होना चाहिए, अच्छा सब कुछ होना चाहिए घर में, अच्छे की तो सब कामना करते हैं। हर कोई ये चाहता है कि राम राज्य आ जाए, सब सुखी रहें, कोई दुखी ना हो, पर मुझे ये तो बताएं जिनको आप चुनेंगे वो कौन बेहतर हो सकता है, क्योंकि राज तो उनको चलाना है, सरकार तो वो चलाएंगे, आप जिसको वोट डालेंगे वो सांसद बन जाएगा, सांसद प्रधानमंत्री बना देंगे। हम तो कांग्रेस को वोट डालते हैं, शुरू से कांग्रेस ही। हाँ जी, क्या अच्छा लगता है? कांग्रेस शुरू से अच्छे है, पंजाब में रहते हैं, पंजाब में कांग्रेस ही अच्छी लगती है। कहाँ से है पंजाब? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से? हाँ जी। चंडीगढ़ में मामला आपकी बार टाइट है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है? हाँ, मनीष तिवारी और उसके बीच में टक्कर है, चन्नी के बीच में। बीजेपी का उम्मीदवार है? हाँ, चन्नी जिक्र करना, चन्नी नहीं है, चन्नी उसमें इनसे करते हैं। हाँ भाई, जवानों क्या नाम है मित्र आपका? हम पे तो कुछ आता नहीं है सर बोलना, तो हम पूछ लेंगे ना आपसे। नहीं मैं नहीं बता, बोल ही नहीं पाएंगे, ये खड़े हमारे नेता जी, इनसे पूछे, इनसे पूछ लेते हैं भाई। क्या नाम है सर आपका? दीपक। मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव चल रहा है देश में, ठीक है, वोट डालेंगे आप, सांसद बनाएंगे और सांसद प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या लगता है कि जनता क्या सोच रही है, इस बार किसको मौका दिया जाए? मेरे लिए तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं सिर्फ प्रधानमंत्री, और दूसरा कोई नहीं है लड़ाई में। यहाँ पर जो आपके उम्मीदवार हैं वो हर्ष मल्होत्रा हैं बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार हैं। आपको लगता है कहीं टक्कर है, या फिर लगता है नहीं बीजेपी का उम्मीदवार आगे है? बीजेपी का आगे। पिछले सांसदों ने कुछ कामकाज किए क्या इलाके में? आज तक तो कभी देखा नहीं। तो फिर भी मतलब बीजेपी को वोट काम नहीं हो रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों? एक लौता रीजन सिर्फ वही, अपना प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर काम नहीं देख रहे हैं, मोदी का नाम। जी हाँ, देश का काम जरूरी है, अपना तो कोई नहीं चलता रहेगा, जो चल रहा है पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? अर्चना कुमारी। अर्चना जी मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में तमाम पार्टियां आपके पास आएंगी, एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। जी हम लोग नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करते हैं, करेंगे। इसको करते हैं? भाजपा को। क्या कारण है? हम लोग हर चीज़ से उनसे सहमत है। जी हाँ, अच्छा लगता है, बीजेपी के कामकाज अच्छे लगते हैं, बीजेपी के लीडर हैं। हाँ, जो चीज़ करते हैं हम लोग उससे सहमत रहते हैं। कोई कामकाज आपको पता है कि बीजेपी ने क्या क्या किया है, कोई बता पाएंगे? कुछ किया है, बहुतों में से पाँच पूछ रहा हूँ। जैसे और बच्चों सब के लिए भी पढ़ाई लिखाई के बारे में हर चीज़ मदद करते हैं, मेडिकल से हो गया, रोड वगैरह ये सब हो गया,
गैस वगैरह ये सब वही करवाए हैं ना जी। हाँ जी, पंडिया कह रही हैं गैस तो महंगी कर दी मोदी जी ने, दुगने दाम की कर दी, 400 में मिलता था कांग्रेस के टाइम में, अब 800 में मिल रहा है। नहीं वो तो जैसे भाई नरेंद्र मोदी अपने घर से थोड़े पे सब करेंगे, अपना फैमिली चलाने में लोग सहमत नहीं हो तो पूरा देश को चला रहे हैं। महंगाई महंगाई है या वैसे ही कर रहे हैं विपक्ष वाले? जैसे भाई चल रहा है ना हम लोग के लिए को ज़्यादा पता लगता है ना, औरतें क्योंकि काम करती हैं घर पर, पता लगता है कि किचन में सामान महंगा हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है, तो औरतों के लिहाज से क्या महंगाई है या फिर लगता है नहीं वैसे ही मुद्दा नहीं है ये कुछ? महंगाई तो हर चीज़ है। ठीक है।